हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी फिल्म बनी जिसने 92 अवार्ड जीते और इसी के दम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि वे अगर इस फिल्म को छोड़ा नहीं होता तो इस तरह के टैलेंटेड एक्टर उभर कर सामने नहीं आते। अहो ना प्यार है से सिर्फ ऋतिक रोशन ही नहीं बल्कि अमीषा पटेल ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म से कई ऐसे मजेदार बातें जुड़ी हैं जिसके कारण इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी दर्ज है। कहूँ ना प्यार है इस फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर तो बेटे ऋतिक रोशन ने बेस्ट एक्टर और बेस्ट डेब्यू एक्टर अवार्ड जीता था। इस फिल्म में ऋतिक और अमीषा पटेल को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। सलमान खान ऋतिक रोशन की बॉडी बनाने में मदद किए थे। ऋतिक ने बॉडी बनाने के लिए सलमान खान से ट्रेनिंग लिए थे। एक्टिंग डेब्यू से पहले ऋतिक रोशन पापा राकेश रोशन को फिल्मों में असिस्ट कर रहे थे। कहूँ ना प्यार है के लिए ऋतिक बॉडी बनाने के लिए सलमान खान से हेल्प मांगी। ऋतिक ने सलमान को फोन किया तो लगा कि उन्हें शायद सलमान नहीं पहचानेंगे। आखिरकार सलमान ने ऋतिक की रिक्वेस्ट मान गए। फिल्म में अमीषा पटेल की मां ने भी काम किया था। कहूँ ना प्यार है ब्लॉकबस्टर रही और इसने ऋतिक रोशन को स्टार बना दिया। उस वक्त लड़कियों के बीच ऋतिक का क्रेज इतना बढ़ गया। यह फिल्म सन 2000 की बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में आशा पटेल ने ऋतिक रोशन के किरदार राज चोपड़ा की मां का रोल निभाया था। अमीषा पटेल से पहले करीना कपूर ने फिल्म में साइन किया था लेकिन करीना कपूर और राकेश रोशन के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई थी। करीना कपूर ने फिल्म की शूटिंग भी कुछ दिनों तक की थी। इस फिल्म में करीना कपूर को एक सीन के लिए बिकनी पहननी थी लेकिन उनकी मां बबीता कपूर फिल्म इससे सहमत नहीं थी। फिल्म सुपरहिट होने और ऋतिक की बॉडी को लेकर लड़कियां उन पर फिदा थी। इस बीच शादी के लिए उन्हें 30,000 प्रपोजल मिले थे। राकेश रोशन ने यह फिल्म आराधना फिल्म से इंस्पायर होकर बनाई थी। 1969 में आई फिल्म आराधना उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म के सुपर हिट होने पर अंडरवर्ल्ड की नजर इस फिल्म की कमाई पर थी लेकिन राकेश रोशन ने मना कर दिया तो उनके ऊपर हमलावरों ने गोलियां भी चलाई थी लेकिन इनमें उनकी जान बाल बाल बच गई थी।